हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। लास्ट जो वीडियोस हैं उनमें लास्ट हमने डिस्कस किया था जो टाइम एंड वर्क है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, उसी पे ही हमारे ये प्रोसीजर पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं क्वेश्चन जहां टाइप चेंज होंगी वो हम बताएंगे कि अब इनमें जो टाइम एंड वर्क की कंपेरिजन क्या डिफरेंस है। देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो नल एक टंकी को, यहाँ वहाँ आदमी काम करते थे, यहाँ नलों पे कोई टैंक या टंकी को भरने का काम है। एक नल जिसका नाम ए है और दूसरा नल मान लेते हैं क्या बी। ये ए उसको 20 मिनट में भर सकता है तो ये कितने में, 30 मिनट में। तो ये जो वहाँ कुल काम हो जाता था जो हमारा एलसीएम है, यहाँ ये जो एलसीएम है ये हो जाएगी टैंक की कैपेसिटी, जो टंकी है उसमें कितना लीटर पानी आता है जो भी है। ये अब टाइम की बात करता, देखो 60 लीटर का टैंक है 20 मिनट में भर सकता है तो एक मिनट में कितना, तीन। ये 30 मिनट में भर सकता है तो एक मिनट में कितना, दो। कह रहा है दोनों को एक साथ खोलें तो कितने मिनट में हमारा काम हो जाएगा। 60 लीटर का दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाँच। तो कितने मिनट में भर देंगे दोनों एक साथ, 12 मिनट में। बिल्कुल सेम ही उसी की तरह आए समझ। देखो अगर दो की जगह तीन हो तो कैसे काम करेगा, वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ नल ए हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं और तीसरा क्या हो जाएगा अपना सी। ये अपना कितने में हो जाएगा, 12, 15 और 20 में। जो एलसीएम है वो हमारे फिर से क्या, टैंक की कैपेसिटी। ये 12 है तो एक मिनट में कितना, पाँच। ये 15 है तो चार और 20 वाला है तो तीन। तो तीनों को एक साथ मिला देते हैं। जब तीनों एक साथ मिलेंगे तो 5, 4, 9 और 3, 12। ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो 5 मिनट में टैंक को भर देंगे। आए समझ। बिल्कुल सेम उसी की तरीका से एक और क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क में हमने किए थे। कह रहा एक नल ए है और दूसरा नल कौन सा, बी, जो टैंक को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 10 वाले का काम 3 है, इस वाले का कितना है, 2। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। देखो दोनों एक साथ खोलेंगे तो 5 भरेंगे और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि 4 मिनट तक ये दोनों काम साथ करेंगे तो 5 के हिसाब से कितना भर दिया, 30, 20 भर दिया। 30 लीटर का हमारा टैंक है, 20 भर दिया तो रह कितना गया, 5। उसको अब बी भरता है, बी 5 भरने में कितना टाइम लगाएगा हमारा, 5 मिनट। बी 10 भरने में 5 मिनट लगाएगा। देखो 4 मिनट तक दोनों साथ और 5 मिनट अकेला, तो कुल कितने मिनट काम हुआ, 9 मिनट। 9 मिनट में इस टैंक को भरा गया। आए समझ। देखिए क्या कह रहा है, दो की जगह अगर तीन नल है, उनको कह रहा है कि तीन नल ए बी और सी किसी टैंक को 15, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम 60 आ जाएगा, ये 4, 3 और यहाँ से 2। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये 4, 3, 7 और 2, 9 भरेंगे और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब है 4 मिनट तक ये तीनों साथ रहे तो कितना भरा, 36। अब ए को बंद कर दिया जाता है तो बी और सी रह जाते हैं। बी और सी एक मिनट में 5 भरते हैं और ये भी 4 मिनट तक ही साथ रहते हैं तो इन्होंने कितना भरा होगा, 20। अब तक कितना पानी, 56। 60 लीटर का था, 56 भर दिया, रह कितना गया, 4। अब इसको सी भरता है, सी एक मिनट में 2 भरता है तो 4 को भरने में लेगा 2 मिनट। देखो 4 मिनट तीनों साथ थे, 4 मिनट 2, दोनों साथ थे बी और सी, और लास्ट में 2 मिनट सी अकेला रहा। तो 4 4 8 और 2, 10 मिनट इस काम को करने में लगा, 10 मिनट लगा इस टैंक को भरने में। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल लगा मान लिया उसका नाम ए, वो 6 घंटे में इसको भर सकता है। दूसरा नल भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल है बी और वो भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये है नेक्स्ट टाइप। अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, जो टैंक में दो तरीका के नल है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला। जैसे खाली करने की बात आती है तो उसके आगे लगा लेते हैं हम माइनस, क्योंकि वो उसको कम कर रहा है। कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम बन जाएगा हमारा 30। 30 लीटर का टैंक है, ये 6 घंटे में उसको भर सकता है तो ये भरे हुए को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये हर घंटे कितना पानी डालता है इसमें, 5। तो ये हर घंटे कितना निकालता है, 2, माइनस करता है। कह रहे दोनों एक साथ खोल दिया जाए, देखो 5 भरने वाला भरेगा और खाली करने वाला खाली करेगा, तो हर घंटे कितना पानी अंदर जाएगा, 3 लीटर। 30 लीटर का टैंक है, हर घंटे 3 लीटर पानी अंदर जाएगा तो 10 घंटे में हमारा क्या, टैंक भर जाएगा। आए समझ। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि दो नल एक टैंक को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। देखो एक नल ए है और एक का नाम बी है,
ये 12 में भर सकता है तो ये 15 में। आगे कह रहा सी नल, इसमें एक और नल लगा हुआ सी, वो भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो 20 क्या हो जाएगा माइनस। इन सभी का एलसीएम कितना है 60, यहाँ से ये 12 का ये 5 और ये 4 और ये हो जाएगा माइनस के कितना 3। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, देखो अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, 5 वाला भी भर रहा है, 4 वाला भी, और ये क्या कर रहा है खाली, 9 में से 3 जाएगा तो हर घंटे कितने लीटर 6 लीटर, 60 लीटर का टैंक है, हर घंटे 6 अंदर जाएगा तो ये भी कितने टाइम में भर जाएगा 10 घंटे में। आए समझ, 10 घंटे में ये टैंक भर जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन क्लास है या फर्स्ट डे की क्लास है, तो आई होप कि मेरे द्वारा ये दी हुई जो फर्स्ट डे की जानकारी है आपको समझ में आई होगी कि कैसे जो निकालने वाले हैं टाइम एंड वर्क से सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो निकालने वाले हैं उनका क्या करते हैं माइनस, जो टैंक को खाली करने वाले हैं उनको माइनस करते हैं। तो आई होप सभी को समझ आई होगी, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।